तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी मेरे भाई सऊदी अरब में नेट सिम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने याकूत सिम के बारे में भी बताया है, सलाम सिम के बारे में भी बताया है, लेकिन अभी जो है सऊदी अरब में एक नया नेट सिम लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है रेड बुल मोबाइल। ये नया सिम लॉन्च किया गया है और जो लोग याकूत इस्तेमाल कर चुके हैं, जो लोग सलाम इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर उनको यह सिम पसंद नहीं आता है तो आप लोग रेड बुल का जो सिम है ट्राई कर सकते हैं। किस तरीके से ऑर्डर करना है, क्या इसका फीचर्स है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना है और ये जो एप्लीकेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे ये क्लिक करेंगे यह डाउनलोड हो जाएगा और यह जो है 17.44 MB का है। तो देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है और चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या फीचर्स इसके बारे है, इसके अंदर कैसे सिम को ऑर्डर करना है, कितना प्राइस है, कितना डाटा मिलेगा, यह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अभी तक बहुत भाइयों ने याकूत इस्तेमाल किया और सलाम को भी इस्तेमाल किया, मैं सलाम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब लोगों का अलग अलग जो है एक्सपीरियंस है। कुछ लोग बोलते हैं सलाम सिम अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं याकूत सिम अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सलाम सिम और याकूत सिम के बारे में उतना अच्छे तरीके से अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि जो सलाम सिम है इसे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, वाउचर डाल के नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो याकूत सिम है वह केवल नेट सिम है, उसे आप जो है कि कभी भी उसमें वाउचर डाल के कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ नेट सिम है, उसको इस्तेमाल करके आप फेंक सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे, तो इसको नेक्स्ट करना है, तो चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। गेट स्टार्टेड पे करते हैं, उसके बाद यहाँ लॉग इन करने के लिए बोल रहा है, ज्वाइन रेड बुल मोबाइल ये बोल रहा है, यूज द गेस्ट। तो मैं चलिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या इंटरफेस है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है, तो मुझे अभी जो है कि इसमें मैंने अपने लॉगिन नहीं किया हूँ, तो मैं इसमें ज्वाइन रेड बुल मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेशनलिटी मांग रहा है, नेशनल आईडी कामा मांग रहा है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल अपना डाल दिया है ऊपर, जिस भी कंट्री से हैं वही कंट्री आप लोगों को डालना है, सऊदी अरब में है सऊदी अरब नहीं डालना है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वह डालना है। फिर आपको अपना इकामा नंबर, आपका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, आपका जीमेल देना है, फिर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इस तरीके से बनाना है, पहला लेटर बना होना चाहिए, उसके बाद चार लेटर हो और चार नंबर हो, इस तरीके का पासवर्ड आप बना सकते हैं। जो पासवर्ड आप लोग ऊपर डालेंगे वही पासवर्ड आप लोगों को नीचे डालना है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप लोगों को इस तरीके से टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे जो नंबर आपने इसमें डाला है उसी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो चलिए कोड का भी इस्तेमाल जो है कि इंतजार कर लीजिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है 6436। जैसे ही कोड डालेंगे तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है एक्टिवेट सिम, बुक न्यू नंबर, ब्रिंग माई नंबर, यानी कि अपना नंबर भी इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, नया सिम भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे नया नंबर बुक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो तीन ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके सिम का प्लान क्या है, इसके में जो है कि कितने रियाल में कितना GB मिल रहा है, कौन सा प्लान चल रहा है, कौन सा प्लान आप लोगों के लिए अच्छा है। आज की वीडियो में इतना जानकारी दूंगा, अगली वीडियो में बताएंगे कैसे इस सिम को ऑर्डर करना है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शॉप, शॉप पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के सामने
नीचे दिखाई दे रहा होगा 80 सौर में यानी 80 रियाल में आप लोगों को वैलिडिटी 30 दिन का मिलेगा, 15% इसमें बैट भी इंक्लूड होगा। इसमें आप लोगों को 50 GB मिलेगा, उसके बाद अनलिमिटेड लोकल कॉल है, अनलिमिटेड सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारे फ्री हैं। ये पहला प्लान है। दूसरा प्लान की बात कर लेते हैं, इसमें 180 है, यह भी आप लोगों को 30 दिन के लिए ही मिलेगा, लेकिन इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, अनलिमिटेड लोकल कॉल है। और सोशल मीडिया के बारे में देख लेते हैं क्या है, तो सोशल मीडिया के बारे में अभी इसके जानकारी नहीं इसमें दिया हुआ प्लान के बारे में, लेकिन यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 100 MB 2 रियाल में मिलेगा, 11 रुपये में आप लोगों को अनलिमिटेड मिलेगा, 1.5 GB 15 रियाल में मिलेगा 7 दिन के लिए, 5 GB मिलेगा 7 दिन के लिए 30 रियाल में, और 60 रियाल में आपको 8 GB मिलेगा वो भी 30 डे के लिए। अनलिमिटेड प्लान 80 रियाल का है, 20 GB 90 रियाल का है, और 100 GB 220 रियाल का है। और नीचे जैसे आएंगे अनलिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिन के लिए 2 रियाल में, और यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है 7 दिन के लिए 10 रियाल में। तो ये सारे प्लान है यहाँ पे, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, और जो है कि जिन भाइयों को ऑर्डर करना है वो ऑर्डर क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को इसकी जानकारी हो गई होगी कि रेड बुल सिम को कैसे ऑर्डर करना है, और आप लोग का जो प्लान है इसमें प्लान कितने का मिल रहा है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।